विशाल, अरे छोड़ यार तेरी मच्छी वच्ची, हम खरीदेंगे। अरे तुम लोग खेलो, मुझे यही मजा आ रहा है। अबे हाथ से पकड़ के देख, शायद एक दो मिल जाए। नहीं, कुछ फंसा, कुछ फंस गया। क्या फंसा? अबे सब इधर आओ, बहुत बड़ी मछली है। Yes, yes! Look! Sir, Falcon, catch! Reserve laga ke! Arey, catch, yaar! Lagta hai, bahut badi machli hai! Arey, chhod! Vishal, ye kya baat hai? Excuse me, पीछे हटिए आप लोग। क्या हुआ था यहाँ पे? सर लाश है, लाश, आदमी की लाश है, मछली के कांटे में फंसी हुई थी सर। सर हम तो वहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे ये विशाल था, इसके हाथ में ये रॉड था सर, ये मछली पकड़ने वाला रॉड सर। पीछे हटिए आप, पीछे आइए आप लोग, चलो पीछे हटिए, आइए यहाँ से। सचिन जरा निकालो इसे। माय गॉड, सही लाश तो आधी है। सर लगता है कि आधी लाश मछलियों ने खा ली होगी। मछलियों ने खाया तो है सचिन, लेकिन लाश को देख के ऐसा लगता है इसको काट के यहाँ पे समंदर में फेंक दिया गया है ताकि इसका नामो निशान ना मिले। लाश आधी काटी गई है सर। काजल सबको जाने दो, इनके नाम और पते नोट कर लो ताकि जरूरत पड़े तो दोबारा बुला सके। यस सर। इतनी भयानक मौत है, लगता है इसका बाकी हिस्सा समंदर में कहीं बह गया है। जेब वगैरह देखो, कुछ पता चलता है इसकी आइडेंटिटी क्या है? सर यहां कुछ चमक रहा है सचिन, इसको निकालो। सर चाबी, किसी ने जूते के अंदर चाबी छुपा कर रखी है। कहीं इस चाबी की वजह से इसका खून तो नहीं हुआ? सड़क के रास्ते पर मैं यही सोचते आ रहा था कि खूनी ने इस आदमी के टुकड़े किए हैं वो कैसे किए होंगे। कैसे क्या, काट डाला बस। यार काट डाला ये तो मैं भी समझता हूं सड़क के, मेरे पूछने का मतलब है कि कब काटा होगा, मरने से पहले या मरने के बाद। बस ये बताना तो जरा मुश्किल। एक मिनट, देखो इसके मांस के अंदर गौर से देखो कुछ दिखाई देता है? यार सांखे, इसमें तो बुरादा है। यस बुरादा। बुरादा और नमक इस लाश में से मिला है। इसके पेट में से? पेट में से नहीं, पेट पे से। ये बुरादा इसने खाया नहीं है बॉस, इसका पेट काटते वक्त
ये बुरादा इसके मांस में चला गया है। और ये नमक? नमक समुद्र के पानी से। और एक बात सर, जिस तरह से ये लाश काटी गई है उससे ये पता चलता है कि इसे 100 ब्लेड से काटा गया है। लकड़ी काटने की आरी जिसमें नुकीले दांत होते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब है इसे ऐसी जगह पे काटा गया है जहां पर लकड़ी काटने का काम होता है। इसकी उम्र क्या होगी काउंटर? हाँ उम्र आओ देखो। बस इसके बाएं घुटने में आर्थराइटिस था और ये देखो ये दाएं घुटने की हड्डी टूटी होगी, तो टेढ़ी जुड़ी हुई राइट। और ये देखो ये इसकी पेल्विक गर्डर, बस इसकी पेल्विक हड्डी की चौड़ाई और इन हड्डियों की हालत देखते हुए मुझे लगता है इस आदमी की उम्र 50 से 55 के बीच में होगी। 50 से 55? ये चाबी सिर्फ एक चाबी नहीं, कुछ और है। हाँ सर, इस चाबी का ताला कुछ स्पेशल होगा क्योंकि ऐसी चाबी हर रोज देखने को नहीं मिलती है सर। वही तो, इसलिए जैसे ही मैंने इस चाबी को देखा मेरा दिमाग तनक गया कि इस चाबी की वजह से ही तो इस बेचारे का खून नहीं हुआ। सर क्या इस चाबी से पता चल सकता है कि आदमी है कौन? बिल्कुल पता चल सकता है, पर अगर और कुछ नहीं मिला तो इस चाबी से ही ढूंढ निकालेंगे उस खूनी को और सजा दिलवाएंगे। सर दो बातें तो पता चल चुकी हैं, एक ये आदमी 50-55 साल के बीच का है और दूसरा इसे ऐसी जगह मारा गया जहां पे लकड़ी काटने का काम होता है। सर कहीं से भी किसी भी पुलिस स्टेशन में 50-55 साल के आदमी के गायब होने की रिपोर्ट नहीं है सर। इसका मतलब है अभिजीत इस बेचारे को कोई जानता ही नहीं, ना इसके कोई लोग हैं जो इसके गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाए पुलिस में। सर ये चाबी बनाने वालों को दिखाते हैं ये चाबी, शायद वो बता सके इसके बारे में कुछ। हाँ जरूर, कोई ना कोई तो पहचानेगा इस चाबी को और बताएगा कि किस तरह के ताले में लगती है ये चाबी। साहब, आदमी का चेहरा देख के बता सकता हूँ कि उसके घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और वो चाबी घर के अंदर ही भूल आया है ना? पहले हमारी बात सुन लो। तुम देखो साहब, मेरे पास काम बहुत है, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं है मुझे। जरा ये चाबी देखो। ये कहाँ से मिली साहब आपको? अच्छा तो आपको ऐसी चाबी बनवानी है। इस चाबी का ताला है तुम्हारे पास? हमने तो सुना है कि इस तरह के चाबियों के ताले काफी मिलते हैं यहाँ पे। ये आप क्यों पूछ रहे साहब, कहीं कोई लंबा हाथ मारना है क्या? भाई देखने में तो आप लोग शरीफ लगते हैं। हम लोग CID से। CID? सलाम साहब। हाँ हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, है ना? पर कब तक? हाँ? कब तक? कब तक? जब तक सच सच बताओगे तब तक, समझा? समझ गया साहब। तो इस तरह के चाबियों के ताले कहाँ मिलेंगे? इस तरह के ताले फिलहाल तो इस शहर में नहीं बनते साहब। क्या बनते हैं? साहब इस तरह के ताले दूसरे शहरों से बन के आते हैं, वो भी कोई अगर एग्जीबिशन वगैरह हो तो। अच्छा हाल ही में इस तरह की कोई चाबी देखी है तुम? हाँ साहब, अभी 3 दिन पहले एक एग्जीबिशन में मैंने ये ताले देखे हैं, अभी शायद होंगे वहाँ। अभी भी एग्जीबिशन चल रहा है? हाँ साहब। हाँ साहब। कहाँ पे है ये एग्जीबिशन? जरा चाबी देखिए, हम इस चाबी का ताला ढूंढ रहे हैं, है आपके पास? देखिए भाई साहब, इस तरह के 6 ताले हमारे पास थे लेकिन सभी के सभी बिक गए। कैसे? किसने खरीदे? आप लोग कौन है? हम CID से। एक औरत थी। एक औरत ने? तुम उस औरत को जानते हो? हाँ, कुछ काट दिया था उन्होंने अपना।
नीलम, मिसेस नीलम, ताला चाबी खरीदा मिसेस नीलम ने, चाबी पहुंच गई लाश के जूते में। इस नीलम के घर चल के देखना चाहिए कि चाबी लाश के जूते में पहुंची कैसे। मेघना, मेघना। जी आंटी। मेघना, स्मृति तैयार हुई कि नहीं? जल्दी करो, देर हो गई। हाँ जी आंटी, स्मृति तो कब की तैयार हो गई है। अच्छा अच्छा, उसे नीचे ले आओ। जी आंटी। और हाँ, साथ में अंगूठी वाली थाली भी लेकर आना। ठीक है आंटी। नमस्ते। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। सब तैयारी हो गई है ना? हम लोग तो तैयार होके ही आए हैं भाभी जी, बस आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो अच्छा होगा। स्मृति तैयार है, बस आ ही रही है। कौन है आप और इस तरह से सगाई क्यों रोक रहे हैं? ये सब बाद में होता रहेगा, हम लोग सीआईडी से हैं। क्यों, क्या हुआ? एक खून हो गया है। खून? जी हाँ, एक खून हो गया है और हम लोग उसी खून का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्यों आए हैं आप? और किसी के खून से हमें क्या लेना देना? और ऐसी खुशी के मौके पर, जबकि हमारी बेटी की सगाई हो रही है, उस वक्त आपको ऐसी मनहूस बातें नहीं करनी चाहिए। क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। आप ही नीलम हैं? जी हाँ। सचिन, ये देखिए, इस चाबी को पहचानती हैं आप? हाँ, अरे ये तो मेरे उन नए तालों की चाबियों जैसी चाबी है। चलिए, आपने पहचाना तो सही, ये तालों का क्या चक्कर है? जी वो मैं अपनी बेटी और दामाद को देने के लिए मेरे दूसरे घर में काम करवा रही हूँ। वहाँ रिनोवेशन भी चल रहा है। उसी घर के लिए मैंने 6 तालों का एक सेट मंगवाया था। ये चाबी बिल्कुल उनमें से एक ताले की चाबी जैसी ही लग रही है। ये आपको कहाँ से मिली? ये हमें एक लाश के पास से मिली। लाश के पास से? जी हाँ, एक कटी हुई लाश जिसका चेहरा ही नहीं है। उस लाश ने जो जूते पहने थे, उस जूते में से हमें ये चाबी मिली है। इनके दूसरे घर में जाके देखो, इस चाबी का ताला कहाँ है, उसी से कुछ पता चलेगा। लीजिए, खुद देख लीजिए, घर का रिनोवेशन चल रहा है। शादी के बाद ये दोनों यहीं आकर रहने वाले हैं। ना, वो तो दिख रहा है घर का रिनोवेशन चल रहा है, मगर वो ताला कहाँ है? वो ताला जिसकी चाबी हमें मिली है, कहाँ है वो ताला? ताला? हाँ, शायद यहीं कहीं होगा, मैं देखती हूँ। लेकिन सर, वो ताले की चाबी उस मरे हुए आदमी तक कैसे पहुंची? अगर ये बात हमें पता होती तो हम यहाँ पे आते आपसे पूछने के लिए?
जी आप सही कह रहे हैं सर। अरे ये क्या? क्या मिसेस नीलम, आप इस तरह क्यों चौंकी? वो एक ताला। क्या एक ताला? इसमें इसमें छह ताले थे और अब एक ताला गायब है। ये बॉक्स मैंने खुद ड्रॉर में रखा था। ताला गायब है? जी, ड्रॉर में रखा हुआ ताला गायब है। मम्मा, वो कैबिनेट भी गायब है जो यहाँ पर रखा था। क्या कैबिनेट गायब है? कितना बड़ा था कैबिनेट? छोटा सा ही था। बड़ी अजीब बात है, कैबिनेट भी गायब है। पहले हमें चाबी मिलती है एक लाश के पास, और जब हमें पता चलता है कि वो चाबी किसी ताले की है तो ताला ही गायब होता है, और फिर साथ साथ कैबिनेट भी गायब होता है। तो कहीं वो ताला उस कैबिनेट पर ही तो नहीं लगा है? अगर वो ताला उस कैबिनेट पर लगा हुआ है, इसका मतलब उस कैबिनेट में जरूर कुछ है जिसकी वजह से वो चोरी हुआ है। सचिन, घर की तलाशी लो अच्छी तरह से, एक एक कोना छान मारो, पता तो चले सच क्या है। सीआईडी वाले कहां से आ गए? सारे मेहमान वहां पर बैठे और हम लोग यहां पर। अरे कुछ नहीं, थोड़ा देर इंतजार कर लेंगे फिर चले जाएंगे बेचारे। और क्या, ना मैं ये ताले लाती ना इस झमेले में पड़ती। क्या मिला? सर ये देखिए सर, ये जूट के बैग में कुछ है सर। ये देखिए, जूट के बैग में? हाँ सर। क्या है? देखो। अरे फर्नीचर ही होगा और क्या? फर्नीचर से खून निकल रहा है आपके। हाँ, खोल के देखो जल्दी। अब पीछे हटिए। नीलम जी, ताला नहीं मिला नहीं सही, लेकिन ये लाख, ये धड़, ये जो आपके घर में से मिला, इसके बारे में तो पता होगा किसका है ये? मुझे नहीं मालूम ये किसका है। नहीं मालूम किसका है? तो चलो ये तो पता होगा कहां से आया ये धड़। मैं नहीं जानती। नहीं जानती तो तुम लोग, तुम तो जानते होंगे कहां से आया ये धड़। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। मुझे कुछ नहीं पता, हम तो खुद हैरान है कि लाश कहां से आ गई। अच्छा, देखा सचिन, इनके घर में लाश, ये धड़ कहां से आया मालूम नहीं। शरीफ लोग हैं बेचारे, शरीफ। शायद वो फर्नीचर वाले छोड़ के गए होंगे जहां से नया फर्नीचर आया है। कौन सा फर्नीचर वाला? कहां से लेकर आया नया फर्नीचर? होम वाइट फर्नीचर से सर। होम वाइट फर्नीचर से? होम वाइट? अच्छा, मेरे नीलम सच बोल रही है,
तो लाश इसी फर्नीचर शोरूम से उसके घर पहुंची है। फर्नीचर के साथ लाश भी पैक करके भेज दी और बड़ी अच्छी तरह से लपेट के भेजा था सर। आइए साहब, किस तरह का फर्नीचर चाहिए? कोई बिना लाश वाली चाहिए। क्या मजाक कर दिया, सवेरे सवेरे लाश का नाम ले लिया। रेड पाम्स बंगलो में तुमने फर्नीचर भेजा था, उसमें एक लाश थी। अब ये मत बोलना कि रेड पाम्स बंगलो कहाँ है, ये तुम जानते नहीं है? जी नहीं, वाकई हमें नहीं मालूम कि रेड पाम्स बंगलो कहाँ पे है। ये नाटक करना बंद कर दो संजय। जी हमें वाकई में नहीं मालूम कि रेड पाम्स बंगलो कहाँ पे है और हमारे यहाँ से कोई फर्नीचर नहीं गया। फिर झूठ बोला तुमने। आप बिना बात के गले पड़ रहे सर। कह दिया ना एक बार कि हमारे यहाँ से कोई फर्नीचर नहीं गया और ये नाम हमने कभी भी नहीं सुना। तुम अभी सच बोलते हो या मेरी दुकान में आके इस तरह से जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है सर। मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। अच्छा, हम लोग सीआईडी से। हाँ, बंगले पर फर्नीचर हमारा ही जाता है। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो फर्नीचर हमारे यहाँ नहीं बनाया सर। फिर झूठ बोला तुमने। वाकई झूठ नहीं है, वो फर्नीचर हमारे यहाँ नहीं बना। वो सारा का सारा फर्नीचर दामोदर ने बनाया है, उसने अपनी वर्कशॉप में। उसकी अपनी वर्कशॉप में? ये दामोदर यहाँ पे काम करता है ना? जी नहीं। ये दामोदर रहता कहाँ? जी नहीं मालूम। तुम्हारे साथ एक आदमी काम करता है और तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो रहता कहाँ? उसकी एक फोटो है हमारे पास। ग्रेट, जरा फोटो देना। अभिजीत, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि लाश के टुकड़े इतनी तेजी से मिल रहे हैं कि एक एक चीज की खबर रखना जरा मुश्किल होते जा रहा है। पहले हमें मिली थी एक लाश, एक कटी हुई लाश, और उस लाश के जूते में से मिली थी एक चाबी, है ना? और फिर पता चला कि इस तरह के ताले एक एग्जीबिशन में मिल रहे हैं। एग्जीबिशन? और अभिजीत, एग्जीबिशन में हमें पता चला कि उसी तरह के छह ताले मिसेस नीलम को बेचे गए। नीलम को? मगर नीलम के अगर हंगामा मच जाता है, वहां पे हमें एक और लाश मिलती है, या यूं कह लीजिए कटा हुआ धड़ मिलता है जिसका सिर नहीं। इसलिए सर, अभी तक वो दूसरी लाश किसकी है इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पर जब हम फर्नीचर की दुकान में पहुंचे तब पता चला कि सारा फर्नीचर का काम वो दामोदर कारपेंटर से करवाता था। दामोदर कारपेंटर जो अब गायब है। अब ये मरने वाला कौन है, उसका खून किसने किया, वो अलमारी कहां है, वो ताला कहां है, इन सारे सवालों का जवाब एक ही आदमी दे सकता था, दामोदर। और दामोदर गायब है। सर, ये दामोदर सिर्फ नाम का ही कारपेंटर है सर, उसका असली काम तो कुछ और ही है। अच्छा, क्या है? सर, एक पहुंचा हुआ अपराधी है। अपराधी है? हाँ सर, ये देखिए, अपहरण के जुर्म में 6 साल की सजा काट चुका है और अभी 2009 में ही छूटा है जेल से। अब तक लकड़ी काट रहा था, अब इंसान भी काटने लगा है। हाँ सर। यस डॉक्टर साड़ुंके, क्या आप सच कह रहे हैं? ठीक है, हम लोग आते हैं। साड़ुंके, ये दोनों धड़ एक ही आदमी के? नहीं। वे? मतलब दो दो खून? बिल्कुल, पहले का खून ही मिला नहीं, दूसरा खून हो गया। इन दोनों के डीएनए अलग अलग। ये देखो, ये डीएनए इस आदमी का है जिसकी लाश आपको समुद्र में मिली, और ये वाला डीएनए इस आदमी का है जिसकी लाश आपको नीलम के घर में मिली। और दोनों की उम्र भी अलग अलग है। बिल्कुल, इस आदमी की उम्र 50-55 के आसपास है, ये तो हमें मालूम है। इसकी उम्र 35 साल के आसपास है। दोनों लाशें कटी हुई हैं, तो शायद दोनों का खून एक ही तरीके से किया। अभिजीत, दोनों को एक ही तरीके से मारा गया है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात पक्की है कि दोनों को एक ही जगह पर मारा गया, किसी ऐसी जगह पर जहां पर लकड़ी काटने का काम होता है। लकड़ी काटने का काम? और इतना ही नहीं बॉस, इस आदमी की लाश में हमें कुछ और भी मिला है। क्या मिला है सर? बताता, देखो बॉस,
गौर से देखो क्या दिखाई देता है। यार साळुंखे, इसमें तो कुछ व्हाइट पाउडर जैसे दिख रहा है, आटे जैसा कुछ। बिल्कुल ठीक पहचाना बॉस, ये आटा ही है। हमें इस आदमी के फेफड़ों में से गेहूं का आटा मिला है। लकड़ी के बुरादे के साथ साथ गेहूं का आटा भी। सर, जो धड़ आपको नीलम के घर में से मिला है वो धड़ दामोदर का ही है। हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में जो दामोदर के उंगलियों के निशान है वो इस धड़ के उंगलियों के निशान से मिलते हैं। मतलब जिसने फर्नीचर नीलम के घर पहुंचाया, इस दामोदर, इसी का खून कर दिया गया और फिर इसी की लाश को फर्नीचर में छुपाया गया। किसने किसने किया ये? सर, ये दामोदर खुद तो मर ही गया मगर इस केस को और भी उलझा गया। हाँ, अब देखना ये है कि इस दामोदर को मारा किसने। सर, दामोदर का खून भी उसी ने किया होगा जिसने उस आदमी को मारा जिसकी लाश हमें समंदर में से मिली थी। वो कैसे सर? दोनों को मारने का तरीका एक था, तो खूनी भी एक ही होना चाहिए ना। अब वो बात तो ठीक है अभिजीत, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस दामोदर के फेफड़ों में गेहूं का आटा आया कहां से। सर, शायद इनका खून किसी ऐसी जगह हुआ है जहां पे फर्नीचर का काम तो होता ही है, आसपास गेहूं पीसने की चक्की भी होगी, आटे की कोई बड़ी मिल। हाँ विवेक, ताशा, काजल, काम करो, पता करो शहर में ऐसी कितनी फर्नीचर की दुकानें हैं जिसके आसपास गेहूं पीसने का काम होता है। यस सर। लगता है कोई काम आता ही छोड़कर चला गया। जैसे दामोदर छोड़ के गया होगा मिल, वैसी की वैसी बंद पड़ी। बिल्कुल अच्छी तरह से ढूंढो। ये क्या? खून और मांस के टुकड़े। ओ, 100 प्लेट के ऊपर भी मांस के टुकड़े। लगता है ये वही जगह है। विवेक, यहां से ये खून था। कम से कम ये तो पता चलेगा कि उन दोनों लाशों में से ये खून किसका है, उस लाश का जो हमें समंदर से मिली थी या उसका जो हमें नीलम के घर से मिली थी। और काजल, यहां पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं उसे उठाओ। जो नीलम के घर से गायब हुआ है। ओ माय गॉड, ये तो चाबी से ताले की। उसके पास इस ताले की चाबी नहीं थी इसलिए उसने इसे काट दिया और अंदर से सारा सामान गायब कर लिया। एक काम करो, यहाँ आसपास देखते हैं यहाँ कहीं होना चाहिए अंदर का सामान। तो बिल्कुल वैसी है जैसे हमें नीलम के घर में से मिली। सर, सूखा हुआ खून। सर, इस बैग के अंदर कुछ गड़बड़ है। खोलो, देखते क्या है। ये
Oh my God. कहीं ये बाकी के टुकड़े उसी लाश के तो नहीं जो हमें नीलम के घर से मिली थी। लगता है कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स है, पर इन जले हुए पेपर्स में कुछ तो ऐसा था जिसे खूनी मिटाना चाहता था। हो सकता है ये पेपर्स इसी कैबिनेट में हो। एक काम करते हैं, इसे फॉरेंसिक ले चलते हैं। सालून के साहब इसमें से सारी खबर निकाल लेंगे। बॉस, 100 मिल की ब्लेड पर जो हमें खून मिला है वो इन्हीं दोनों का। तो इसका मतलब है इन दोनों का खून एक ही जगह पे हुआ और वो भी एक ही आरी से। बिल्कुल। और सुनोगे वो जो बाकी के टुकड़े हमें मिले 100 मिल में से वो किसके हैं? वो टुकड़े भी इस दामोदर के ही। और वो कैबिनेट जिसकी वजह से ये सब हो रहा है उस पर उंगलियों के निशान होंगे ना? हाँ है ना। तो हो सकता है वो खूनी के निशान हो ना? नहीं अभिजीत, वो निशान भी इस दामोदर के ही। बस खूनी ने अपना कोई भी निशान कहीं भी नहीं छोड़ा। तो ये खून ऐसे नहीं हो रहे अचानक, ये सब सोची समझे प्लानिंग के साथ हो रहे हैं। प्री मेडिटेटेड मर्डर। सर? हाँ? सर ये जला हुआ पेपर जो आप लोगों को उस लकड़ी काटने के कारखाने में से मिला था। हाँ? ये किसी फाइल का पेपर लगता है सर, जिसमें एक तरफ कुछ फोटो जैसा भी लगा हुआ था। फाइल का पेपर? जी सर, जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको रिपोर्ट भिजवाती हूँ। नहीं तारिका, मुझे इस पेपर के बारे में डिटेल रिपोर्ट चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी। एक बात तो पक्की है अभिजीत कि चाबी की वजह से उस आदमी का खून हुआ है। यस सर, चाबी नहीं मिली तो पूरा का पूरा कैबिनेट ही उठा लिया, बाद में कैबिनेट को काटा, सबूत निकाले और जला दिया। मगर सर नीलम के घर से वो कैबिनेट चुराया किसने होगा? दामोदर ने, और कौन चुरा सकता है? वही फर्नीचर डिलीवरी के बहाने घर में आसानी से आ जा सकता था, उसने उठा लिया होगा। सर खूनी इस जले हुए कागज में छुपा है। सर हाँ, ये देखिए सर, ये तो किसी पुलिस स्टेशन का स्टैंप लगता है। हाँ सर, तो किसी अपराधी का कोई पुलिस रिपोर्ट वगैरह तो नहीं है? जूम करो जरा। हाँ सर, किसी अपराधी के बारे में कुछ जानकारी है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा पर कुछ कुछ पुलिस स्टेशन का नाम दिख रहा है सर। चंबोपुर पुलिस स्टेशन, 9 जनवरी साल 2000। चंबोपुर? चंबोपुर पुलिस स्टेशन तो बंद हो चुका है सर। पुलिस स्टेशन बंद हो चुका है? हाँ सर। कोई बात नहीं, सेंट्रल रिकॉर्ड में से इस आदमी के पूरे डिटेल्स निकाल, यही सबूत मिटाना चाहता था। ये हमारे इंचार्ज है सर। हेलो सर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पुलिस जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखती है वो सारे यहीं पे हैं या कहीं और भी रहते हैं? सर सारा का सारा यहीं पे है। वेरी गुड, हमें जम्बोपुर पुलिस स्टेशन का 9 जनवरी 2000 इस दिन का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। कितने केसेस थे उस दिन, किन किन लोगों को छोड़ा गया, किन को पकड़ा गया, सब देखना है हमें। मगर वो पुलिस स्टेशन तो 2007 में बंद हो गया सर। वो हमें मालूम है, हमें सिर्फ रिकॉर्ड दे। अभी लाता हूँ सर। ये लीजिए सर, ये उस पुलिस स्टेशन की केस फाइल है, जनवरी 2000 से दिसंबर 2000। 9 जनवरी 2000, इस दिन तो 3 रिपोर्ट लिखवाई गई है सर। जेब कचरा, लापता, 19 साल की लड़की लापता और उसी दिन मिल भी गई, विकास। ये क्या? जिस पर क्रिमिनल की सारी जानकारी होती है ये पन्ना कहाँ है? ये तो फटा हुआ है। हमें नहीं मालूम सर। ये पन्ना कहाँ गया?
सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। उसके ऊपर अपराधी की फोटो होती है, मालूम है ना? हाँ सर, वैसे इस पूरी फाइल की कॉपी हमारे पास कंप्यूटर में है। क्या? फाइल कंप्यूटर पे है? जी सर। तो देखा? आई सर। ये विकास है। तू इतना दिन रुका है ना, तो दो हफ्ते और भी रुक जा, तेरे सारे पैसे दे दूंगा मैं, समझा? थोड़े पैसे हमें भी दे दो विकास जी, बहुत जल्दी में हो। अरे सर, ये तो आलोक है, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई सर? हाँ सर, आप लोगों से जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। सर मेरा नाम तो आलोक है, मैं किसी विकास को नहीं जानता सर। अरे ये कैसे हो गया? 9 जनवरी 2000 का पुलिस रिकॉर्ड तो बता रहा है कि तुम्हारा नाम विकास है। सर पुलिस रिकॉर्ड? दिन भर में तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोगों से पाला पड़ता है हमारा, समझे? ज्यादा ड्रामा मत कर। इतने मुश्किल से तो हाथ में आया, तो इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे तुझे। देखिए मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हम लोग का दिमाग खराब हो गया है, हम लोग बिना बात के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं निर्दोष हूँ सर। क्या? हम लोग उस लकड़ी की मिल से होके आ रहे हैं जहाँ पे तुमने खून किया उस आदमी का। तुमने उस आदमी का खून किया उस पेपर के लिए ना, जो उस कैबिनेट में बंद था, और उस पेपर से हमें पता चल गया कि तुम कितने बड़े धोखेबाज, जालसाज, लोगों को फंसाने वाले हो। सच है ना? हाँ सर, सर ये बात सच है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए अमीर घर की लड़कियों से शादी करता था, और एक बार जायदाद मेरे नाम पे आ गई तो उसके बाद में उन्हें छोड़ देता था। और स्मिति के साथ भी यही करने वाले थे तुम? जी सर, मैं स्मिति के साथ भी यही करने वाला था, लेकिन मम्मी के कुछ दिन पहले दीपक ने मेरा सारा बांडा फोड़ दिया। ये कौन है? सर दीपक स्मृति का बाप था। ऐसा क्या किया उसने? सर दीपक भी एक अपराधी था, और इसलिए नीलम जी और स्मृति उससे अलग रहते थे। सगाई के कुछ दिनों पहले वो मुझे धमकियां देने लगा कि अगर मैंने उसकी बेटी के साथ शादी की तो वो मेरी सच्चाई सबको बता देगा। तो तुमने खून कर दिया उसका? हाँ सर। अरे आइए आइए दीपक जी, मुझे अच्छे से मालूम था कि आप यहाँ पे जरूर आएंगे। आलोक तो ठीक नहीं कर रहा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कर, और अगर नहीं कहूं तो सबूत मेरे पास, सबको दिखा दूंगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम जिंदा बच के जाओगे तब ना दीपक साहब। दामोदर को क्यों मारा? उसने तो तुम्हारी मदद की थी। सर दामोदर मर गया? हाँ दामोदर मर गया, तुमने मारा है ना उसे? सर देखिए मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने दामोदर को नहीं मारा, बल्कि जब मैं वहाँ से निकला तो दामोदर जिंदा था सर। क्या? हाँ सर। दामोदर को तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? नीलम जी आपका होने वाला दामाद आलोक है ना? आलोक, मगर ये आलोक नहीं, इसका असली नाम विकास है। विकास, और इसी ने आपके पति दीपक का खून किया। क्यों? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आलोक, अरे तुम्हें तो शाम से कहीं डूब मर जाना चाहिए। क्यों किया तूने ऐसा आलोक? क्या मिला तुझे मेरे पति को मार के? तो माफ कर दो आलोक, माफ कर दो मुझे। पापा ने कितनी बार कहा कि ये लड़का ठीक नहीं, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। नीलम जी भी दीपक आपके पति थे है ना? जी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई जब हम आपके घर आए थे? अपराध से जुड़े होने की वजह से हमने सारे संबंध तोड़ दिए थे उनसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं थे। और आप मिस्टर प्रतीक,
देखा क्या किया आपके बेटे, एक बेगुनाह की जान ले ली और आपने रोका तक नहीं उसे। सर हम बहुत शर्मिंदा है, हम नहीं जानते थे कि हमारा बेटा इस हद तक गिर जाएगा कि किसी का खून कर देगा। सर दीपक को किसने मारा ये तो पता चल गया, मगर अभी तक ये नहीं पता चला कि दामोदर का खून किसने किया। आप लोग जा सकते हैं। सचिन ताशा इसे लॉकअप में डाल दो। एक काम करते हैं, इस लकड़ी की फैक्ट्री में फिर से चलते हैं, आसपास पूछताछ करते हैं। किसी ना किसी ने तो देखा होगा उस आदमी को जिसने दामोदर का इतनी बेरहमी से खून कर दिया। एक काम करते हैं, यहां पे जितनी भी दुकानें खुली हैं उन सब में पूछते हैं। हाँ तैयार नहीं है, सब कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम। लगता है खून उस वक्त हुआ है जब सारी की सारी दुकानें बंद थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता। सीसीटीवी कैमरा, उस कैमरा की रिकॉर्डिंग देख के शायद कुछ पता चल सकता है कि उस रात कौन कौन आया और कौन कौन गया। हाँ एक काम करते हैं, इसे इसकी रिकॉर्डिंग को ब्यूरो मंगाते हैं। हाँ दो दो खून हुए सर इस लकड़ी वाली गली में, पर आसपास के दुकान वालों ने कुछ देखा नहीं। क्या कहा था आलोक ने, कितने बजे खून किया उसने दीपक का? शाम का टाइम था सर, अंधेरा हो चुका था, इसीलिए किसी ने देखा नहीं, और उनके लिए आसान हो गया लाश को छुपाना। काफी लोग आ जा रहे हैं, इनमें से खूनी कोई भी हो सकता है। लोग आ जा रहे हैं पर ये कार यहीं पे खड़ी है कोने में। पॉज करो भी। अभी एनलार्ज करो इस कार को, जूम करो और बड़ी करो कार। ये नंबर प्लेट देखो जी, मेरे नंबर प्लेट आधा कटा हुआ है सर, ZSS7 और नीचे 1B75 आखिरी नंबर का आएगा सर। मतलब ऊपर 0 से 9 10 नंबर से में कोई भी हो सकता है, और नीचे भी 0 से 9 10 नंबर में से कोई भी हो सकता है। 10 नंबर ऊपर और 10 नंबर नीचे, मतलब कुल मिला के 100 नंबर। तो हर एक जन आरटीओ में फोन करो और एक एक नंबर का पता लगाओ, देखो पता करो कौन मालिक है इस कार का। इस कार का मालिक मिस्टर प्रतीक है, ये आलोक का बाप है सर। आलोक का बाप? प्लीज नीलम जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से, मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बुरा बर्ताव करूं, चले जाओ यहाँ से। अरे अरे नीलम जी, मेहमानों के इस तरह धक्के मार के नहीं निकाला जाता है, मेहमान तो भगवान होते हैं ना, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। पूजा करने जैसे क्या चीज की है इन्होंने? हाँ ये बात तो है, आलोक के साथ साथ मिस्टर प्रतीक के हाथ पे भी खून लगा हुआ है। मतलब आप लोगों को पता चल गया कि दामोदर का खून किसने किया है? जी हाँ, इस फोटो को ध्यान से देखिए, आप देखिए इसे और पहचान के ये बताइए कि ये कार किसकी है। ये कार तो हमारी है ना? जी हाँ आपकी कार, सगाई वाले दिन ये कार यहीं बाहर खड़ी थी ना? जी हाँ। मिस्टर प्रतीक,
काम तो बड़ी सफाई से किया आपने, मगर एक गलती कर दी। ये कार लकड़ी के मिल के सामने छोड़ दिया आपने, जहां पे आपने दामोदर का खून किया था। दामोदर का खून? मैंने? क्या बात कर रहे हैं आप? आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हैं? हाँ, दामोदर का खून तुम्हीं ने किया है। मगर मैं तो उस दिन ऐसी जगह पर गया ही नहीं था। बुधवार की शाम को ये कार वहां पे थी जहां पे खून हुआ है। एक मिनट, बुधवार के दिन? शायद आंटी उस दिन तो गाड़ी आपके पास थी ना। नीलम छोड़ दो उसे, तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। कल की छोकरी, मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत है। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। नीलम देखती, मैं सच कह रही हूँ, मैं मारूंगी इसे। चल हटो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से सब लोग। आगे मत बढ़ो, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो, वरना मार दूंगी मैं इसे। कल की छोकरी, मारा था दामोदर को। क्यों मारा, क्यों तुमने उसे? क्योंकि उसने आलोक के साथ मिलकर मेरे पति दीपक का खून किया उस सौमिल में। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि उन लोगों ने तुम्हारे पति का खून किया है? उस दिन फोन आया था, दीपक आलोक को रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन इससे पहले आलोक ने ही दीपक को मार दिया। फिर जब मैं सौमिल पहुंची, वहां जाकर जब मैंने देखा तो आलोक तो मुझे नहीं मिला, मगर दामोदर मिल गया और मैंने गुस्से में आकर उसी को मार दिया। जब तुम्हें पता था कि आलोक ने तुम्हारे पति का खून किया है, तो अपनी बेटी की शादी उसके साथ क्यों कर रही थी तुम? मैं अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर थी। आलोक के खिलाफ तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी, लेकिन तुमने खुद कानून को अपने हाथ में लिया है, एक खून किया है, अब जिंदगी भर जेल में सड़ना, अगर फांसी नहीं हुई तो।